Yes, hello guys. Yes, today we start our next chapter, chapter number 4, reproductive health. Okay, आपने हेल्थ के बारे में तो बहुत सुना है ना कि हमें फिट रहना चाहिए, हमें क्या अच्छी डाइट लेनी चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग बनना है. फिजिकली स्ट्रांग बनने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो जिससे हमारी बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे, हम क्या रहे, हेल्दी रहे. तो हेल्थ के बारे में तो आपने क्या है बहुत सुना है. तो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर गुड हेल्थ. When a person is physically fit, that time their reproductive health is also become strong. Okay, when you are physically fit, that time your reproductive health is also becomes strong. Okay, so reproductive health means healthy reproductive organs with normal functioning. Okay, reproductive health means healthy reproductive organs with normal function. According to WHO, World Health Organization, with a state of complete well-being in all aspects of reproduction, like physical, emotional, behavioral, and social. According to the WHO, all the aspects of reproduction are complete well-being, like physical, emotional, behavior and social. All the aspects are completely well-being. That time a person is reproductively healthy. WHO also said that a person in a society having a physically and functionally normal reproductive organs as well as normal interaction between with respect to emotions and behavior among them is a reproductively healthy. यानी एक person है society के अंदर, मतलब society में बहुत सारे persons रहते हैं, वो जो persons हैं अगर वो उनके reproductive organs physically और functionally क्या है, normal है उनका, ठीक है, उनका function normal चल रहा है. और इसी के साथ उनके जो दूसरे लोगों के साथ इमोशंस हैं, उनका बिहेवियर है सोसाइटी के अंदर, और वो सभी के साथ क्या है, हेल्दी है, अच्छा है, गुड है, दैट टाइम ऐसे पर्सन क्या होंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी. ओके, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज नॉट अ मीन टू कंप्लीट ओनली फिजिकल नीड्स. It includes emotions, behavior, and social aspects. Clear? Okay, I hope you understand reproductive health. Now we discuss reproductive health problems and strategies. Okay? Yes, reproductive health problems and strategies. ओके, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उनसे उनके अगेंस्ट क्या प्लानिंग्स, क्या एक्शंस जो है, क्या प्रोग्राम स्टार्ट किए गए. स्ट्रेटजीज मीन्स प्लानिंग्स, एक्शन, प्रोग्राम्स. सो देयर आर टू प्रोग्राम्स. फर्स्ट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. इन इंडिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कम्स इन 1951 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया. क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या आई, पॉपुलेशन, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आई, इंक्रीज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, उसको देखते हुए ये प्रोग्राम्स क्या है स्टार्ट किया गया. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कम्स इन 1951 इन इंडिया. द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू कंट्रोल पॉपुलेशन. ओके, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ताकि पीपल्स जो हैं वो अपनी फैमिली की प्लानिंग्स करें, यानी स्मॉल फैमिलीज की. ओके, सेकंड,
RCH means reproductive and child health care program. दूसरा प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया, ठीक है, यानी रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. इसके अब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भी उनको बताया गया किस तरह से हमें हेल्दी रहना है, कैसे इसकी हम केयर कर सकते हैं, और रिप्रोडक्शन से क्या है, चाइल्ड की बर्थ हो रही है, ठीक है, चाइल्ड जो मतलब बर्थ हुआ जिस चाइल्ड का वो भी क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसकी हेल्थ की भी क्या हमें क्या करनी है, केयर करनी है. तो इसको इससे रिलेटेड क्या है प्रोग्राम स्टार्ट किया. इसका पर्पस क्या था, अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जितने भी रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, ऑल द एस्पेक्ट्स, ओके, उन सभी के बारे में लोगों को अवेयर करवाया गया. एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्टिंग फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी, और जिससे क्या हो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी बने, है ना, इसके लिए जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जो भी सपोर्ट जो है इस प्रोग्राम के थ्रू वो लोगों को उसके अगेंस्ट अवेयर करवाया गया. तो इसका पर्पस क्या था, अवेयरनेस अमंग पीपल. ओके, अब इमोशनली हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम एक दूसरे से लोगों से क्या है इमोशनली जुड़े हुए हैं, यानी इसमें ये भी इंक्लूड है कि जो पीपल्स हैं उनको इस तरह से अवेयर करवाया गया कि जितनी रिस्पेक्ट आप अपने घर पे अपनी मदर या अपनी बहन की, जितनी भी आपकी घर में जो फीमेल्स हैं जितनी रिस्पेक्ट आप उनकी करते हो उतनी ही रिस्पेक्ट आपको सोसाइटी की जितनी भी मतलब फीमेल्स हैं उनके अगेंस्ट भी आपको उतनी ही आप उनकी भी रिस्पेक्ट आपको उतनी ही करनी चाहिए जितने आप अपने घर में अपनी मदर की अपनी सिस्टर की रिस्पेक्ट करते हो उतनी ही सभी फीमेल्स की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो इस तरह से लोगों को इन टू प्रोग्राम्स के थ्रू क्या किया गया, अवेयर किया गया, एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए और लोगों को अवेयर किया गया भी किस तरह से हमें रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी बनानी चाहिए. ओके, yes, there are some steps to achieve reproductive health. Okay, yes, first government and non-government agencies should use media. ये जो agencies है government और non-government, इन्होंने क्या है कुछ मीडियाज का यूज किया, लाइक ऑडियो विजुअल और प्रिंटेड मीडियाज का, और इन्होंने क्या किया लोगों को अवेयर करने के लिए अबाउट किसके बारे में, वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, उसके बारे में अवेयर करने के लिए इन्होंने ये क्या है कुछ मतलब स्टेप्स उठाए. यस, दीज एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जितने भी हमने एस्पेक्ट्स की बात की है, बिहेवियर है, फिजिकल है, इमोशनल है, सोशल है, सभी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इन एजेंसीज ने क्या किया कुछ स्टेप्स उठाए. ओके, सेकेंड, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो भी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जैसे लाइक एड्स, है ना, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की इन्होंने लोगों के बीच में. यस, थर्ड, एजुकेटिंग पीपल मीन दैट मीन्स पीपल्स को एजुकेट करना, स्पेशली जो फर्टाइल कपल्स हैं या फिर दोज इज मैरिजेबल एज ग्रुप के जो पीपल हैं उनको एजुकेट करना. दे शुड नो अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, दे शुड नो अबाउट द केयर ऑफ प्रेगनेंट वुमेन एंड also postnatal care of mother and child. Postnatal care, it is the care given to the mother and the her newborn baby immediately after the birth. Okay, birth ke just baad jo mother aur baby ko jo care di jati, this is known as postnatal care. Okay, post baad mein, natal means birth. केयर, ओके, बर्थ के बाद में जो मदर और चाइल्ड को केयर प्रोवाइड की जाती है दिस इज नोन एज पोस्ट नेटल केयर. तो इस तरह से लोगों को एजुकेट किया गया ताकि उनको क्या है बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस पता हो, भी बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. सेकेंड, भी प्री और पोस्ट नेटल केयर ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड,
पहले और बाद में जो है मदर की और चाइल्ड की केयर कैसे करनी है. ऑल्सो दे शुड नो अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड. यानी मेल और फीमेल दोनों क्या है, इक्वल चाइल्ड है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. इसके लिए लोगों को क्या करना है, अवेयर. तो ये मतलब इस तरह से ये कुछ स्टेप्स उठाए गए ताकि क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या किया जाए, अचीव किया जाए. नेक्स्ट, लार्ज स्केल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. चाइल्ड के जो इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, उनके भी लिए प्रोग्राम मतलब लार्ज स्केल में चलाए गए ताकि बच्चों के जो भी इंजेक्शन है उनके बारे में लोगों को पता हो, अवेयर होना चाहिए लोगों को. ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू बेटर अपडेटेड फैसिलिटीज विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए जितने भी न्यू बेटर अपडेटेड फैसिलिटीज हैं उन सबको क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए. लास्ट, कंप्लीट बैन ऑन फिटर सेक्स डिटरमिनेशन. ओके, हमको कुछ लोग क्या करते थे, बर्थ के पहले ही जो बेबी है उसका फिटस जो है उसका सेक्स चेक करवाने की कोशिश करते थे कि वो मेल है या फीमेल है. कुछ लोग क्या करते थे, अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो उसको या तो मार दिया जाता था या फिर उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता था. तो इसलिए ये प्रोग्राम्स, ये कुछ स्टेप्स उठाए गए ताकि जो फिटस का सेक्स डिटरमिनेशन है उसके ऊपर कंप्लीट क्या हो जाए, बैन हो जाए. कोई भी पर्सन जो है फिटस का सेक्स डिटरमिनेशन ना करवा सके ताकि इससे क्या है उनकी मतलब डेथ को रोका जा सके, मतलब फिटनेस की डेथ को रोका जा सके. ओके, सो देयर आर सम स्टेप्स टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ. गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी शुड यूज मीडिया लाइक ऑडियो विजुअल एंड प्रिंटेड मीडियाज. दे दीज एजेंसीज हैव टेकन द वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स. ओके, एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज. मतलब लोगों को अवेयर करवाना कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है जैसे एड्स है, ये कैसे मतलब स्प्रेड होते हैं, कैसे इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती है और कैसे नहीं फैलती. जैसे ये किसी को टच करने से या किसी को छूने से है ना, तो या उसके बर्तन से या उसके क्लोथ से नहीं फैलते, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है. ओके, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली जो फर्टाइल कपल और दोज आर मैरिजेबल एज ग्रुप जो लोग हैं उनको अवेयर करवाना कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस को है ना, दे शुड नो अबाउट द बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, भी हम कैसे बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं. Second, they should know about the care of pregnant mother and postnatal care of the mother and child. Okay, and also they should know about the importance of breastfeeding. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया बताया था कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है. जो फर्स्ट मिल्क जो होता है मदर का, कोलेस्ट्रॉम जैसे बोला जाता है, इट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मतलब न्यू बॉर्न बेबी बिकॉज इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न बेबी. ओके, बिकॉज इट इज रिच इन एंटीबॉडीज. ओके, सो ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न बेबी एंड इक्वली अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर द मेल एंड फीमेल. ठीक है, मतलब उनको मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं है, दोनों क्या है, इक्वल है. लार्ज स्केल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बच्चों के जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं उसको लार्ज स्केल में मतलब उनको बताया कि अवेयर किया गया लोगों को कौन कौन सी इंजेक्शन जो है बच्चों को आफ्टर बर्थ लगाए जाते हैं या पहले भी प्रेग्नेंट वुमेन को जो भी इम्यूनाइजेशन करवाए जाते हैं वो क्या क्या है, तो इसके बारे में लोगों को बताया गया. उसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए लार्ज स्केल पे. इम्प्लीमेंटेड ऑफ न्यू बेटर एंड अपडेटेड फैसिलिटेड विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको अचीव करने के लिए न्यू बेटर और अपडेटेड जो भी फैसिलिटीज है उनको इम्प्लीमेंट किया गया करना चाहिए. कंप्लीट बैन ऑन द फिटर सेक्स डिटरमिनेशन. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ. वॉच द वीडियो केयरफुली, रीड चैप्टर फ्रॉम बुक. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.